नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में। यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से किताब जो है आपको पढ़ने चाहिए, उन्हीं किताबों की सूची को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है इस वीडियो में, खास करके प्री के लिहाज से और मेंस के लिहाज से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस का भी वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है अच्छे तरीके से तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको उतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा, सिफारिश करूंगा कि आप लोग एक बार ज़रूर सिलेबस वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए पढ़नी आवश्यक है और कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान देनी चाहिए और किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, किन चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी तीन चरणों में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जो होता है दो पेपर का होता है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मेंस जो होता है 9 पेपर का होता है। इंटरव्यू जो है, आपको पता होनी चाहिए कि इंटरव्यू जो है इसमें पेपर नहीं होता है, यह मौखिक होता है। ठीक है, यह मौखिक होता है, यह लिखित नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और आपको बता दूं, अगर आप इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप लोग निश्चित तौर पर ये चीज़ें अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं यूपी आपको प्रीलिम्स और मेंस, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर कुछ ना कुछ आपके अंदर एनालिटिकल अप्रोच यानी विश्लेषणात्मक क्षमता आ जाएगी, किसी भी चीज़ पर चिंतन करने का, मनन करने का, सोचने का और अपनी बातें रखने का, अपना हल मतलब किसी भी समस्या के सुझाव देने का, तार्किक तरीके से आपके अंदर क्षमता विकसित होते चली जाएंगी अगर आप यूपीएससी प्री का और मेंस का अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे तो। और वही जब क्षमता विकसित हो जाएगी फ्रेंड्स, तो यही जो है साक्षात्कार में आपको काफ़ी काम आएगी। तो मैं यहाँ पर आपको केवल यूपीएससी प्री और यूपीएससी मेंस की बुक लिस्ट के नाम बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से ज़रा देखने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक और बात कि आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी फाइनल रिजल्ट में आप अपना नाम लाना चाहते हैं, तभी आप यूपीएससी आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। यानी फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल जो लिस्ट आता है यूपीएससी द्वारा जारी किया जाता है, फाइनल रिजल्ट जो आता है उसमें अपना नाम देखना चाहते हैं, तभी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, न कि केवल प्री एग्ज़ाम के लिए। प्री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बुक का नाम तो मैंने बताया हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन आप केवल प्री के लिए तैयारी न कीजिएगा। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मेंस के लिए तैयारी कीजिए, प्री ऑटोमेटिक उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत कीजिए तो मेंस लेवल से ही आप लोग जरूर तैयारी कीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर बताया है प्री के लिए, प्री से ही शुरू किया है, लेकिन आप लोग को मेंस जरूर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यूपीएससी में रिजल्ट के लिए तैयारी करते हैं, न कि केवल प्री क्वालिफाई करने के लिए। प्री अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो क्या फ़ायदा, मेंस में जा करके लटक जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो मैं यहाँ पर प्री के लिए बताया हूँ, लेकिन आप लोग मेंस के लिए ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, आप लोग करेंट अफेयर्स, समसामयिक जो मुद्दे होते हैं उसमें संबंधित चीज़ें को, आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। दैनिक जागरण जो है, राष्ट्रीय संस्करण का जो आपको अखबार आता है, न्यूज़पेपर, इसको पढ़ना आवश्यक है। और आप लोग बोल रहे होंगे कि दैनिक जागरण भी है राष्ट्रीय संस्करण का, उसके बाद हिंदुस्तान है, जनसत्ता है, पीआईबी योजना और कुरुक्षेत्र और एआईआर यानी ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। एक पेपर निश्चित तौर पर आप पढ़िएगा, चाहे कोई भी हो, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का हो या हिंदुस्तान हो या जनसत्ता, एक पेपर निश्चित तौर पर आपको पूरा खंगालना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सेक्टर को खंगालना है और देखना है, जो कि हमारे सिलेबस से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव रहा हो या कहीं ना कहीं उसका संबंध हो, तभी उसी चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा, एक पेपर को निश्चित तौर पर। और ये पेपर जो है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान हो गया, जनसत्ता हो गया, द ट्रिब्यून हो गया, आपको और भी बहुत सारे अखबार आते हैं जैसे कि प्रभात खबर, आपको दैनिक भास्कर, तो इन अखबारों के इम्पोर्टेंट जो आपको आते हैं संपादकीय आते हैं एडिटोरियल्स, उनको आपको पढ़ना है। एडिटोरियल्स मस्ट रूप से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल्स को पढ़ना। ठीक है, और ख़ास करके मैं हिंदी मीडियम वाले छात्रों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग द हिंदू के चक्कर में मत पढ़िएगा। हिंदू लोग कहता है, हिंदू वही पढ़े जिनको समझ में आता है अंग्रेजी,
जिनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है वो हिंदू के चक्कर में ना पड़े, समय बेवजह का बर्बाद भी होगा और झूठ मूठ का वो टेंशन में भी आएंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संघ एक अखबार जरूर पढ़िएगा और अन्य अखबारों के एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। संपादकीय, पीआईबी का मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ये आप लोग अगर मोबाइल यूज करते होंगे, एंड्रॉयड आप लोगों ऐप है, आप लोग प्ले स्टोर में जा करके पीआईबी का आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद योजना और कुरुक्षेत्र AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, इसका भी आपको ऐप मौजूद है, इसको आप लोग लोड कर सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र ये भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं या आप लोग दुकान से भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग इतिहास पे देख लेते हैं, हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो हिस्ट्री जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, अभी हम प्री के लिहाज से देख रहे हैं फ्रेंड्स। हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत, एंशेंट हिस्ट्री या इंडिया, मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतिहास में अगर देखा जाए तो आप याद रखिएगा 11th और 12th का टोटल इतिहास का बुक पढ़ना है, अगर 11th और 12th में जितने भी इतिहास का बुक है वो पढ़ना है। लेकिन प्राचीन इतिहास को अगर देखिएगा तो इसमें NCERT 11th को पढ़ना है, जो कि पार्ट वन है। NCERT 11th का जो पार्ट वन है इतिहास का बुक, उसको पढ़ना है आपको प्राचीन इतिहास के दौरान। यही मध्यकालीन में जो है इसका पार्ट टू पड़ता है, मध्यकालीन में पार्ट टू है, यानी मध्यकालीन जो इतिहास है वो NCERT पार्ट टू में उसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर NCERT 11th का पार्ट वन, यहाँ पर NCERT 11th का पार्ट टू, यहाँ पर देखिए NCERT 12th का पार्ट वन, यहाँ पर NCERT 12th का पार्ट टू। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा 11th और 12th का जितने भी बुक हैं उसको पढ़ना ही है, ठीक है। तो NCERT आप लोग याद रखिएगा 11th पार्ट वन, NCERT 12th पार्ट वन। उसके बाद ये दोनों बुक अगर NCERT आप पढ़ लेते हैं तो एडवांस बुक के लिए RS शर्मा आप लोग आपको इसके इसको पढ़ सकते हैं, RS शर्मा को, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए मध्यकालीन भारत में NCERT आपको 11th पार्ट टू पढ़ना है। उसके बाद सतीश चंद्रा का बुक आता है मध्यकालीन भारत के लिए, सतीश चंद्रा का, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक के इतिहास जो है भारत का इतिहास, इसके संदर्भ में देखा जाए तो NCERT 12th को आप लोग जरूर पढ़िएगा, 12th का जो है पार्ट टू। और बिपिन चंद्रा का जो बुक आता है उसको पढ़ना है आधुनिक भारत का, ठीक है। या आप लोग इसको छोड़ करके स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं जो राजीव अहिर का आता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। अब भैया भूगोल ज्योग्राफी के लिए फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एटलस एक रखिएगा। मैंने यहाँ पर एटलस के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग एटलस जरूर 100% अपने रूम में चिपकाइएगा। आप लोग विश्व, आपको विश्व का मैप होना चाहिए, आप लोगों को पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक आपको नक्शा होनी चाहिए और साथ साथ भौगोलिक मैप भी होनी चाहिए, ठीक है, राजनीतिक और भौगोलिक। उसी तरीके से भारत का भी राजनीतिक और भौगोलिक, और खास करके अगर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जितने भी महादेश है, 7 महादेश है, उनका भी रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और उनका अध्ययन हमेशा करते रहिए, कोई भी न्यूज अगर किसी भी देश से संबंधित है तो उसको मैप में एक बार जरूर निहारने का प्रयास कीजिएगा। भूगोल ज्योग्राफी इसको देख लीजिए, NCERT जो है 6 to 12, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ जाइएगा, NCERT के लिए इतना पर्याप्त है फ्रेंड्स, ठीक है, 6 to 12। और उसके बाद में केवल 11th और 12th को देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी जब तैयारी हो जाए उसके बाद, ये मैं केवल प्री के लिहाज से बता रहा हूँ, अगर मेंस में जाइएगा तो उसमें आप लोगों को माजिद हुसैन का बुक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये राज व्यवस्था या पॉलिटी, ठीक है, इसमें आप लोग को मुख्य रूप से संविधान भी पढ़ना होता है, गवर्नेंस पढ़ना होता है यानी शासन व्यवस्था, संविधान और राज व्यवस्था कैसी चल रही है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये राज व्यवस्था केवल इसमें संविधान से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इसको देख लीजिए, ये प्री के लिहाज से हम बोल रहे हैं अभी। तो NCERT 6 to 12 इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये भारतीय राज व्यवस्था, ये मेंस में भी काफ़ी काम आएगा, ये एडवांस बुक है, इसको तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, भारतीय राज व्यवस्था M. लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी, NCERT 11th जो है, 11th में जो पढ़ना है उसको भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये बुक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो 11th का है इकोनॉमी का, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछे ही मत, इससे प्रश्न डायरेक्ट आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप, मैंने खुद देखा हुआ है, आपको इसमें मेंस से भी प्रश्न है, जैसे कि गरीबी से आपको आ जाता है, और एक तरीके से बोला जाए कि आपको राष्ट्रीय आय, भारत के आज़ादी के पहले का क्या स्थिति थी, आपको अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या हुई, बाद में क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या सुधार किए गए, ठीक है, इन तमाम पहलुओं पर इसमें चर्चा किया गया है। NCERT 12th का जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी के लिए। उसके बाद हम बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है रमेश सिंह का, मेंस में तो पूरा का पूरा पढ़ना है फ्रेंड्स, मेंस के लिए आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर खाली केवल अगर प्री की तैयारी करना है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ जिनको केवल आप प्री के लिहाज से रमेश
सिंह की बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन रमेश सिंह के बुक को अगर आप मेंस भी क्वालिफाई करना चाहते हैं पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक बताया है जो केवल फ्री के लिहाज से है, जैसे कि परिचय, इंट्रोडक्शन। जब आप देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो उसमें शुरुआती दौर में आप लोग को देखना पड़ेगा कि GDP आपको, ग्रॉस डेवलप आपको, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको, GNP नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये तमाम तरह की चीज़ें इसमें पढ़नी होती है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो कि मैं आपको 11th का जो बुक बताया था फ्रेंड्स वही चीज़ है, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद मुद्रास्फीति, जिसको सामान्य तौर पर महंगाई के नाम से जाना जाता है, व्यापार चक्र, ठीक है, ट्रेड साइकिल को देखा जाएगा, ट्रेड कैसे काम करता है उसको, एग्रीकल्चर यानी कृषि, भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट और पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, इतनी चीज़ें आप लोग को पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में आप लोग रखिएगा, रमेश सिंह के बुक से ये टॉपिक के नाम है, रमेश सिंह के बुक के ये टॉपिक के नाम है। इतने टॉपिक को अगर पढ़ते हैं आप तो फ्री में काफ़ी है। आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान का मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपको बता दो फ्रेंड्स, कि शनिवार और रविवार को आपको RSTV पर, अर्थात राज्यसभा TV पर आपको आता है साइंस से रिलेटेड, ठीक है, साइंस मॉनिटर करके कुछ एक प्रोग्राम आता है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। न्यूज़ में जितनी भी चीज़ें आपको संबंधित हो साइंस से, स्पेस यानी अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ हो, परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित हो, डिफेंस क्षेत्र से हो, रक्षा अनुसंधान, रिसर्च, इन तमाम पहलू से अगर जुड़ाव रखता हो कोई भी चीज़ें, तो उसको निश्चित तौर पर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर से। लूसेंट में आप लोग पढ़िएगा, लूसेंट बुक आता है, उसमें से आप विज्ञान पढ़िएगा काफ़ी है। इसके अलावा अगर क्राउन बुक जो देख सकते हैं, लूसेंट से हम ज़्यादा बेहतर कहते हैं क्राउन को ही, क्योंकि इससे थोड़ा सा डीप में दिया है, क्राउन में आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ये माजिद हुसैन आप पढ़ सकते हैं, और समसामयिक मुद्दे, पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन से समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि आपको हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल आपको पूरा का पूरा जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और इसके अलावा ओजोन से संबंधित चीज़ें, इसके अलावा मृदा प्रदूषण, आपको कैसे हवा में किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ते चला जा रहा है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें आपको समय समय पर आपको समसामयिक के मुद्दे बन करके उभर करके बाहर आते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको देखने को मिले तो दिल्ली में धीरे धीरे क्या होता है कि आपको प्रदूषण एकाएक बढ़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो इन तमाम तरह की चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनके कारणों पर भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा, उनके रक्षोपाय के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, अर्थात उनके रक्षा के लिए रक्षोपाय। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं, सामाजिक मुद्दे, यानी कौन कौन से एजेंडा होने चाहिए, सामाजिक मुद्दे यानी सोशल इशू, कौन कौन से सोशल इशू हैं, और नई नीतियां, सरकार कौन कौन सी नई नीतियां लाती है, जिसके लिए जिसके अंतर्गत योजनाएं चलाती हैं सरकार, किसी की समाज के जो वंचित शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार चलाती हैं, और उन नीतियों से उन नीतियों के बारे में पढ़ना है, उन योजनाओं के बारे में पढ़ना है, सरकार के नए नए कदम के बारे में पढ़ना है, लोगों के लिए क्या कर रही है। उसके बाद सामाजिक मुद्दे, समाज के कौन कौन से मुद्दे हैं, यानी महिलाओं के उत्थान, जो ग्रामीण महिलाओं की आपको भागीदारी, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, आपको इन तमाम चीज़ों में महिला की भागीदारी हो, आपको एक तरीके से बच्चों को भी इसमें आपको चाइल्ड लेबर से भी इसके अंतर्गत, सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत लड़ा जा सकता है, इसके अंतर्गत समाज में और भी जो भी विकृतियाँ फैली हुई उसको दूर कैसे किया जा सकता है, उस पर तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये उभर करके सामने आते रहती हैं समाचार पत्रों में, जैसे कि 3 तलाक का मामला मुस्लिम समुदाय में आ गया। इसके अलावा अगर आप लोग देख ही होइएगा तो आपको केरल में आपको सबरीमाला विवाद जो चल रहा है, ये सब सामाजिक मुद्दे ही हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े हुए हैं, रूढ़ियों से जुड़ी हुई हैं, परंपरा से जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो समाचार पत्रों से आपको कवर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समाचार पत्र, सिलेबस तो है ही, लेकिन सिलेबस के आधार पर आप लोगों को पुराना चीज़ें नहीं पूछी जाती है, जो करंट में चल रहा होता है वही जो सिलेबस में उसी से संबंधित, जो करंट में चल रहा था उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए मेंस में आप लोगों को बता दें फ्रेंड्स कि इसमें मैंने एसे के बारे में नहीं बताया है, एसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट और अंग्रेजी के बारे में मैंने यहाँ पर नहीं बताया आपको। एसे के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं एसे के बारे में, अलग से आप लोग देख सकते हैं, या ऐसे का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। अब आइए यूपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा को GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4, इन 4 पेपर के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने आवश्यक हैं। एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि कला और संस्कृति के बारे में पूछे जाते हैं, नितिन सिंघानिया, आप लोग प्री में भी पढ़ लीजिएगा इसको जरूर, प्री में भी मैंने ऊपर में नहीं लिखा था, सोचा कि डायरेक्ट मेंस में ही इसको बता दूंगा, लेकिन कला और संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर, यानी कौन कौन से कला के रूप हैं, जैसे नृत्य कला, संगीत कला, वास्तु कला,
और चित्रकला, ये तमाम तरह की चीज़ें कैसे भारत में विकसित होती हैं, इन चीज़ों के बारे में जानना है। और संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, भाषा, आपको कहीं का रीति रिवाज, परंपरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो ये नितिन सिंघानिया बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद समकालीन भारत, ये 1857 से 1757, जिसमें पलासी का युद्ध हुआ, 1857 सिपाही विद्रोह, यहाँ तक का लेकर के 1757 से 1857 समकालीन भारत जो है, आधुनिक भारत का इतिहास आप बिपिन चंद्र से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारत को आप स्पेक्ट्रम राजीव अहिर, जो कि मैंने आपको प्री में भी बताया था। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आपको बिपिन चंद्र का बुक है, बिपिन चंद्र का बुक एक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोनों आप लोग पढ़िएगा 100%, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं इनके बुक, तो काफ़ी आपको एक तरीके से समझिए इंपॉर्टेंट है। आइए, स्वतंत्रता के बाद जब इतने देख लीजिए कि भारत के मतलब आधुनिक इतिहास को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मेंस में आपको मध्यकालीन के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, केवल कला और संस्कृति पढ़ना है। मेंस में आकर के कला और संस्कृति उतना नहीं जानना है, केवल कला और संस्कृति याद रखिएगा मेंस में पढ़ना है। और आधुनिक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात हम लोग देखेंगे कि आज़ादी जब हमारी हो गई तो उसके बाद से आज तक के बीच में क्या क्या भारत ने किए, स्वतंत्रता के बाद से कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, कौन कौन सी समस्याएँ थी हमारे बीच में, तो उसके लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाए, उसमें कितनी सफलता मिली और क्या क्या अभी भी प्रॉब्लम यानी समस्या बनी हुई है, और क्या किए जाने की अभी सरकार की जो है नीतियां हैं या करने के उद्देश्य हैं, क्या क्या करना बाकी है, इसको भी लेकर के सरकार जो है हमेशा इस पर काम कर रही है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसमें आपको बुक पढ़ना है, बिपिन चंद्रा मृदुला मुखर्जी का एक बुक आता है फ्रेंड्स, एक और राइटर है उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मिलकर के एक आज़ादी के बाद का भारत नाम का एक बुक है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। आज़ादी के बाद यानी जब देश 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद क्या क्या स्थितियाँ रहीं, उन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा तमाम तरह की चीज़ें, जैसे कि हाल फिलहाल में आपको GST था, उसके बाद 1991 का जो आपको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो अपनाया गया भारत में, ये तमाम तरह की चीज़ें, इसके बाद ये तमाम तरह की चीज़ें आएगी कि क्या क्या बदलाव आए। उसके बाद आप लोग को लोकपाल के लिए 2011 में भी आंदोलन हुए थे दिल्ली में, जिसमें कि आपको अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल एक नया आम आदमी पार्टी उभर करके सामने आई। तो कैसे भारत में ये सारी चीज़ें होती हैं आंदोलन के दौरान, कैसे कैसे नए नए आपको एक तरीके से बोला जाए कि विकल्प सामने उभर करके सामने आते रहते हैं, इन तमाम पहलुओं पर इसी के अंतर्गत चर्चा आपको करना होगा। तो उसके बाद भारत गांधी के बाद, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, भारत गांधी के बाद, यानी भारत जो है गांधी की, यानी गांधी जब यहाँ पर स्वर्ग आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, यानी गांधी जब ये स्वर्गवासित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है एक तरीके से बोला जाए, तो उसके बाद का जो भारत है, क्या क्या भारत कितना प्रगति किया है, उसके बारे में ये अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं। उसके बाद विश्व इतिहास, वर्ल्ड इतिहास में आप लोगों को विशेष रूप से आप लोगों को देखना है अब पुनर्जागरण काल से आगे की तरफ, ठीक है, पुनर्जागरण काल कैसे होता है, उसके आगे धीरे धीरे आप लोग को बढ़नी होती है। उसके बाद समकालीन विश्व का इतिहास, अर्जुन देव का बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जुन देव, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, अर्जुन देव का बुक। उसके बाद आइए आगे देख लें, एक और आपको विश्व इतिहास का एक और बुक आता है, जैन एंड माथुरगा, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, विश्व इतिहास का यह बुक मिले तो मिले अर्जुन देव का, नहीं तो जैन एंड माथुरगा भी बुक आता है विश्व इतिहास का। उसके बाद समाज, सोसाइटी कैसे काम करता है फ्रेंड्स, यह दैनिक समसामयिकी यानी डेली बाई डेली का जो करेंट आपको न्यूज़ होता है उससे आपको समाज के बारे में थोड़ा सा देखना होता है, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी, जैसे कि कौन कौन से समुदाय में झड़प चल रही हैं, किस चीज़ को लेकर दो देशों के बीच तनाव चल रहा है, कौन कौन संप्रदायों में आपको अंतर्द्वंद बने हुए हैं और द्वंद्व की भावना है और टकरावट की स्थिति बनी हुई है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें समाज में कैसे कैसे नए नए विकल्प बन रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी नई समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं, ठीक है, दो देशों के बीच, जिससे कि विश्व प्रभावित तो हो ही रहा है लेकिन साथ ही साथ भारत के भी हित उससे जुड़े हुए हों, यानी कोई भी चीज़ें अगर विश्व के किसी कोने में घटित हो रही हों तो विश्व के कहीं ना कहीं विश्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, भारत के हित पर भी पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें उसको आपको उसका भी अध्ययन करना ही होगा 100%। उसके बाद भूगोल जो मैंने आपको बताया था, NCERT 11th आपको 6 to 12th आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 11th और 12th को पढ़ना है। 11th में आपको दो पुस्तकें हैं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भारत का भौतिक पर्यावरण। उसके बाद 12th का जब आप पढ़िएगा तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत,
ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन कौन से आपको आपको मेन आपको उसके थ्योरी हैं उनको देखना है, और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोग विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में देखना है, जैसे कि यहाँ पर मतलब इसको हम लोग आर्थिक ज्योग्राफी बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, आपको पढ़ लेना है माजिद हुसैन से, और योजना पत्रिका में छपता है आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ आंकड़े, ठीक है, आपको एक तरीके से उसको भी थोड़ा सा देखना है। उसके बाद जीएस पेपर टू जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जीएस पेपर टू में क्या क्या पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। भारतीय राजव्यवस्था, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना है जीएस पेपर टू में, भारतीय राजव्यवस्था के बारे में एम लक्ष्मीकांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति को जहाँ तक देख करके बात चले फ्रेंड, तो भारतीय विदेश नीति ये पुष्पेश पंत जी का काफ़ी अच्छी पुस्तक है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको राय दूंगा कि आप लोग केवल और केवल न्यूज़पेपर से भी पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ये बुक को पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है फ्रेंड्स कि आपकी थोड़ी सी मैच्योरिटी थोड़ी सी प्रबल हो सकेगी, सबल हो सकेगी, ताकि सोचने विचारने की क्षमता जो है थोड़ी सी मजबूत और दृढ़ हो सकेगी। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं उसमें खास करके वैसे भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित और भारत के वैसे देश से संबंध जिससे कि आपको मजबूत संबंध है और जिसका काफ़ी जो है उनके बीच काफ़ी अच्छी ट्रेड है, काफ़ी अच्छा उनके रिश्ते जो हैं सांस्कृतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है और आर्थिक है, और ये तमाम तरह की चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको देखना होगा, ठीक है। खास करके तो आपको विशेष रूप से सबसे पहले पड़ोसी देशों को तरजीह बहुत ज़्यादा देना होगा, पड़ोसी देशों से ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और खास करके जो पड़ोसी देशों के अलावा जो महत्वपूर्ण देश हैं जिससे कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे आपको इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हो सकता है, या रक्षा उपकरण, साइबर स्पेस, सिक्योरिटी, सुरक्षा के क्षेत्र में, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, ये तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है, या एक बहुत बड़ा मसला तो आतंकवाद भी है, आतंकवाद। अब आइए जीएस पेपर थ्री के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें आप लोग आतंकवाद भी इसमें आ सकता है फ्रेंड, ठीक है, समसामयिक मुद्दे में। जीएस पेपर थ्री को थोड़ा सा देख लीजिए, जीएस पेपर थ्री के सिलेबस में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है खास करके, और इसके अलावा आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, और साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आप लोग को इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो है रमेश सिंह जिसको मैंने बताया था इसको पढ़ना है, उसके बाद भारत सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, ठीक है, आपको आर्थिक सर्वेक्षण हर साल जारी किया जाता है बजट पारित होने से पहले, भारत सरकार के मुख्य बजट जो होता है केंद्रीय बजट उसके पारित होने से आपको पहले आपको आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसका सर्वेक्षण के बारे में आपको जानना है। आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मूल्यांकन होता है कि पिछली सरकार जो होती है पिछले साल सरकार द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं, कौन कौन सी नीतियां लागू की गई हैं, और उनमें कितना कितना जो है आपको उनमें उन कामों में या उन नीतियों में सफलता हासिल हुई है, जो लक्ष्य लेकर के चले गए थे, जो लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे और उसी के तहत जो नीतियाँ लागू की गई थी क्या उनमें सफलता मिली हुई है या नहीं, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा की गई होती है आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। वही आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो खास करके आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत मतलब भारत की अंदर कैसे व्यवस्था चल सके, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले संप्रदायवाद आप लोग जानते होंगे, दो संप्रदायों के बीच झड़प होती है तो उनके बीच में कैसे तालमेल बैठे, क्योंकि भारत जो है विविधता वाला देश है, आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पर अनेकों कौमों के लोग रहते हैं, अनेकों भाषा रीति रिवाज परंपरा के लोग निवास करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये एक बुक है, अशोक कुमार आईपीएस ऑफिसर हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा और मुख्य चुनौतियाँ, अर्थात भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है कैसे कायम रखा जाए और उसके सामने कौन कौन से मुख्य चुनौतियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि नक्सलवाद कभी उभर करके सामने आने लगता है, कभी आपको अलगाववाद की भावना कहीं पर कायम होने लगती है, तो क्या कारण है जिससे कि भारत कहीं ना कहीं भारत की एकता प्रभावित होती है, भारत की अखंडता प्रभावित होती है, तो तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं उसको थोड़ा सा देखना है। इसके अंतर्गत समसामयिक मुद्दे या आतंकवाद विशेष रूप से देखना है। आतंकवाद तो एक तरीके से पूरा विश्व इससे एक तरीके से प्रभावित है और इसके जद में आ चुका है, आतंकवाद के प्रभाव से तो एक तरीके से देखा जाए पूरा विश्व इससे परेशान है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है माजिद हुसैन का बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण में पढ़ की। इसके बाद विज्ञान और तकनीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को RSTV जो मैंने बताया था रविवार और शनिवार के दिन आपको फिर फ्रेंड्स साइंस मॉनिटर करके एक प्रोग्राम आता है, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, और
आप देखिएगा, पढ़िएगा, बोल रहे हैं आप लोग, जरूर उसको देखिएगा, काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मुख्य रूप से करंट के मुद्दे तो आप लोगों को विशेष रूप से देखने हैं, विज्ञान के बारे में विशेष रूप से आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें आपको एक तरीके से विज्ञान में वैसी शोध या वैसी खोजों से जिससे कि हमारे मानवीय पहलू जुड़े हुए हों, ठीक है, कोई नई बीमारी आ गई उसमें कोई नया आपको आपको कोई मेडिसिन बनता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखनी होती है। और इसके अलावा स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, न्यूक्लियर इनर्जी के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, परमाणु, आपको परमाणु ईंधन या परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखना होता है। इसके अलावा साइबर स्पेस, डिफेंस यानी रक्षा, सुरक्षा, ये तमाम तरह की चीज़ें थोड़ी सी देखनी होगी। इसके अलावा जीएस पेपर 4 जो है फ्रेंड्स, नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, इसके एक बुक है जी सुब्बा राव, इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा। इसके अलावा ए आर सी का मतलब जो होता है फ्रेंड्स, यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें शासन एवं नैतिकता के बारे में आपको बताया गया है। यानी ARC जो है फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है समय समय पर, कि भारत सरकार जो है, मूल रूप से भारत में देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था है, और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन में विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पर कोई सुधार की तो आवश्यकता नहीं है, तो अगर सुधार की आवश्यकता होगी तो कौन कौन से सुधार किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा है, तो शासन में किस प्रकार से नैतिकता लाई जाए ताकि शासन के जो भी अधिकारी हैं, शासन में प्रशासन में जो भी अधिकारी मौजूद हैं उनमें भ्रष्टाचार ना पनपे, रिश्वतखोरी, बेईमानी, आपको ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत, व्यभिचार, ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत न आए, ठीक है, लोभ, ये सारी चीज़ें ना आए, ताकि वे आपको ईमानदारी के साथ एक तरीके से बोला जाए, सिविल सर्वेंट का मतलब ही होता है जनसेवक, और जनसेवक कोई आपको सेवा अच्छी तरीके से, जनता की सेवा अच्छी तरीके से तभी कर सकता है जब नीतिशास्त्र, यानी नीतिशास्त्र का मतलब आपको होता है कौन कौन सी चीज़ें जो है एक तरीके से एक मानव होने के नाते करनी चाहिए, मतलब अपने कर्तव्यों का एक तरीके से आपको परिचय कराया जाता है कि आप अपने कर्तव्य जानिए कि और उसके प्रति आप लोग बाध्य होइए कि आप कर्तव्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो यही नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति आपके कितना लगाव है, आस्था है, विश्वास है, ये है, और अभिवृत्ति, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपको कमीशन जो है प्रशासनिक, आपको प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपर में भी पढ़ना है, प्रशासनिक जीएस पेपर 3 में भी पढ़ना होता है, तो शुरू से लेकर के पूरा अंत तक इसको जरूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ऑप्शनल के बारे में नहीं बताया है, आप लोगों को अगर ऑप्शनल के बारे में, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट है कि सबको बता पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैंने इतना ही चीज़ों के बारे में बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।